राधे राधे, पितृ पक्ष में करे पांच उपाय दीपक से अपने पितरों को खुश करने के लिए, ताकि पितृ दोष ना लगे। आइए बताते हैं क्या क्या उपाय करने। उससे पहले हर बार की तरह, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप वीडियो का लाभ उठा पाएँ। सारा लाभ उठाने के लिए आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा, बीच में वीडियो को छोड़कर बिल्कुल भी ना जाएं, नहीं तो आप वीडियो का पूरा लाभ नहीं उठा पाओगे। पितृ पक्ष के दौरान दक्षिण दिशा में रोज एक दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृ पक्ष के दौरान दक्षिण दिशा में एक दीपक रोज जलाना बहुत ही शुभ है, इसलिए एक दीपक रोज जलाएं। सनातन धर्म में दीपक जलाना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि उनकी कोई भी पूजा बिना दीपक जलाए पूरी नहीं होती है। इसलिए देवी देवताओं के लिए अलग अलग तरह से दीपक जलाने के बारे में बताया गया है। जैसे माँ लक्ष्मी को घी का दीपक बहुत ही प्रिय है, वहीं हनुमान जी को चमेली के तेल का और शनिदेव को सरसों के तेल का दीपक अति प्रिय है। नियमित दीपक को या जोत जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवगण प्रसन्न होते हैं। इसी तरह पितृपक्ष में भी दीपक जलाना शुभ माना जाता है। बता दें कि इस बार 17 सितंबर से, यानी कि 18 सितंबर से भी है, कंफ्यूजन चल रहा है वैसे, पर 18 सितंबर से है। 17 सितंबर से शुरू हुआ था, पर मनाया 18 तारीख से जाएगा पहला श्राद्ध पक्ष। पितृपक्ष शुरू होने वाले हैं, ऐसे में 15 दिन चलने वाली पितृपक्ष में यदि आप सही दिशा में दीपक जलाते हैं तो आपको पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। आइए जानते हैं पितृपक्ष में घर की किस दिशा में दीपक जलाना शुभ माना गया है। घर में इन जगह पर दीपक जलाना बहुत ही शुभ है। पितृपक्ष में दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं। वैसे तो कई घरों में सुबह की पूजा और शाम की संध्या वंदन के समय दीपक जरूर जलाया जाता है, लेकिन पितृपक्ष के दौरान रोजाना एक दीपक जलाकर दक्षिण दिशा में रखना बेहद शुभ माना जाता है। बता दें कि यह दिशा पितरों की मानी जाती है। यह उपाय करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, साथ ही उनका आशीर्वाद भी मिलता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का है ये सही तरीका। ईशान कोण में जलाए घी का दीपक रोजाना घर के ईशान कोण, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में गाय या घी का दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी आप पर कृपा बरसाएगी, इससे घर में आर्थिक समस्याएं दूर होंगी। रोज ऐसा करने से पितृ बेहद प्रसन्न होते हैं और पितरों के आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं। पितृपक्ष के दौरान पीपल के पेड़ पर दीपक जलाने से पितर प्रसन्न होते हैं। माना जाता है कि पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के साथ ही पितरों का भी वास होता है। ऐसे में यदि आप पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ में जल जलाकर देकर घी का दीपक जलाएं तो उसका आशीर्वाद मिलता है, पितृदोष से निजात भी मिलती है, हमें कोई भी पितृदोष नहीं लग पाता। किचन में पानी के पास दीपक जलाएं। कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको करने से पितर प्रसन्न होते हैं। बता दें कि यदि आप पितृपक्ष के दौरान नियमित श्याम को किचन में पीने के पानी के पास दीपक जलाएं तो पितरों को तो आशीर्वाद मिलेगा, साथ ही माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा दोनों भी प्रसन्न होंगी। घर के मुख्य द्वार पर जलाएं दीपक। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। नियमित रूप से सुबह और विशेष तौर पर शाम के समय मुख्य द्वार पर सरसों के दीपक जरूर जलाना चाहिए। जलाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने से घर में हमेशा धन दौलत सुख बना रहता है। ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से हमारे पितृ दोष नहीं लगता और हमारे पितृ खुश होते हैं। इन उपायों को करने में हमारा कुछ भी नहीं जाता, तो इसलिए ऐसे छोटे छोटे उपाय जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट करें।